जो ये विस्थापित हिंदू हैं, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान से आए हिंदुओं की बात करें, तो इन पर कुछ दिन पहले हमारे यहाँ उमेंद्र रतनू जी आए थे, जिन्होंने चर्चा की थी। उन्हीं के साथ उनके एक सहयोगी हैं, हमारे मित्र हैं, जय आहूजा जी। वो इस पे बहुत काम करते रहे हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जमीनी हकीकत है, उससे बहुत ज़्यादा वाकिफ हैं। तो एक तो वो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं जय आहूजा जी का स्वागत करता हूँ। नमस्ते जय भाई। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, जय श्री राम। जय श्री राम। और इसके साथ हमारे साथ जुड़ेंगे जो सब लोकतंत्र के रचित कौशिक जी हैं, उनसे भी अनुरोध किया था कि वो हमारे साथ आए। तो नमस्ते रचित जी। नमस्ते भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्ते, जय भाई को भी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। ये जो डॉक्यूमेंट्री है, जो पीपल विदाउट नेशन, वो एक ऐसे मुद्दे पर है जो इसमें मैं दो चीजें थोड़ी जो आज मैं चर्चा में ज्यादा शेयर करना चाहूंगा। पहली ये कि जब हम मास मीडिया की बात करते हैं या मीडिया की बात करते हैं, तो उसमें कभी भी जो सनातन धर्म का या जो हमारे देश के ऐसे मुद्दे हैं उनका पक्ष नहीं रखा जाता, बल्कि उनको या तो अंडरप्ले किया जाता है या उन्हें ऐसे विकृत रूप में दिखाया जाता है कि सहानुभूति नहीं होती है। तो पहली बार एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनी है जो इतनी अच्छी क्वालिटी की है, चीजें ठीक से बताती है। और दूसरा ये कि ये जो मुद्दा है, अपने आप में अगर किसी भी और समाज के साथ ये घटित हुआ होता तो ये वर्ल्ड लेवल पे एक मुद्दा बनना था, लेकिन यहाँ हमारे देश में ही उसे अंडर द जिसे कहते हैं कि ब्रशिंग अंडर द कारपेट कर देते हैं कि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये मैं जय आहूजा जी से स्टार्ट करूंगा क्योंकि आप इससे डायरेक्टली जुड़े रहे हैं। जय आहूजा साहब, के सबसे पहली चीज जो मैं जानना चाहता हूँ वो मैं CAA वाले जो शोर शराबा पिछले कुछ दिनों हमने देखा था, पिछले साल, जिसमें दंगे भी हुए, कि ये जो कानून बना है, सबसे पहले इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में कि जी इसका फायदा किसको है और इसका नुकसान किसको है। तो पहले मैं यहां से शुरू करता हूं और आपसे निवेदन है कि क्योंकि आप इसे जुड़े रहे हैं ग्राउंड पे, तो वहां से शुरू कीजिए। लेकिन 1 मिनट और लेता हूं क्योंकि रमेश भाई जुड़ रहे हैं, हिंदू जागृति समिति से हैं, हम इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नमस्ते नमस्कार। जी। नमस्ते जी। रमेश जी, आपके जुड़ने से पहले हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चर्चा कर रहे थे कि जो ये डॉक्यूमेंट्री आई है पीपल विदाउट नेशंस, तो उसमें क्योंकि जय भाई डायरेक्टली जुड़े रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि पहले तो जो ये CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि उसमें विस्थापित हिंदुओं या जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनको कितना लाभ है या बाकी जितने वर्ग हैं उनको कितना लाभ है। तो यहां से मैं इसको आज स्टार्ट करना चाहता हूँ। जय भाई। जी नमस्कार, और आपका बहुत बहुत आभार नीरज जी, और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत आभार इस संवेदनशील और बहुत मार्मिक विषय पर आपने आज चर्चा आयोजित की है और मुझे अवसर दिया है अपनी बात कहने का। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो लाभार्थी हैं, जिनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का लाभ मिलेगा, उसमें कोई फेरबदल, कोई परिवर्तन भारत सरकार ने नहीं किया है। उसका मैं कारण बताता हूं। असल में जब पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी और पार्लियामेंट्री कमेटी इसकी ड्राफ्टिंग पे काम कर रही थी, तो उस पार्लियामेंट्री कमेटी में माननीय विपिन सहस्त्रबुद्धे जी के माध्यम से हम लोग बराबर मिलते रहते थे, विनय सहस्त्रबुद्धे जी के माध्यम से, क्योंकि वो इस पार्लियामेंट्री कमेटी में एक सांसद होने के नाते मेंबर थे। और उसमें बहुत सारे लोग रिप्रेजेंटेशन लेके आते थे, तमिल हिंदू भी बहुत बड़ी संख्या में, तमिल माइनॉरिटीज भी जो है वो भारत में रह रहे हैं, बर्मा से आए हुए हिंदू भी भारत में शरणागत हैं कुछ स्थानों पर, बांग्लादेश के लोग तो खैर है ही हैं, उसके अलावा भूटान के हिंदू भी कुछ संख्या में कुछ स्थानों पर रह रहे हैं। तो उस बारे में भी बात होती थी कि इनको भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी का मानना था कि 1955 का एक्ट की एक धारा है सेक्शन 51A, नेचुरलाइजेशन का जो क्लॉज है, वो सिर्फ बांग्लादेश क्यों, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ही माइनॉरिटीज को एड्रेस करती है। बांग्लादेश के लोगों को वो लाभ स्वतः इसलिए मिला क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया,
तो जो लाभार्थी हैं वो केवल इन दो देशों के थे, तीसरा देश उन्हीं के हिस्से में से टूट के बना, इसलिए वो लाभार्थी हो गए। तो ये तय हुआ कि लाभार्थियों में कोई बदलाव नहीं होगा, और जो भौगोलिक परिक्षेत्र पहले से 1955 के एक्ट में तय है कि ये सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं को लाभ मिलेगा, और सिर्फ हिंदुओं को नहीं सभी माइनॉरिटीज को लाभ मिलेगा वहां के अल्पसंख्यकों को, तो उस आधार पे इस एक्ट का या इस अमेंडमेंट का, ये एक्ट नया नहीं है, ये सिर्फ अमेंडमेंट है 1955 के एक्ट का। तो इसलिए लाभार्थियों में कोई परिवर्तन नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। पहले भी सिर्फ माइनॉरिटी थे, अभी भी सिर्फ माइनॉरिटी है इन तीन देशों के।